गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मनीषा फ्रॉम सूरत स्कूल. माई सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टूडेज टॉपिक इज रीअरेंज द वर्ड्स. एज यू नो, रीअरेंज द वर्ड्स मीन दोबारा से अरेंज करना वर्ड्स को. कौन से वर्ड्स? वर्ड्स विच आर गिवन इन स्कैटर्ड फॉर्म, मीन्स जो डिस्टर्ब फॉर्म में हमारे पास गिवन है ऑलरेडी एंड आर मीनिंगलेस. और जब हम उनको एक सेंटेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता. अरेंज दैम इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, उनको दोबारा से एक सीक्वेंस में अरेंज करना एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना इज नोन एज रीअरेंज द वर्ड्स. मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में जो वर्ड्स गिवन है वो डिस्टर्ब मैनर में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, वो एक सेंटेंस की फॉर्म में नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं बट वो मीनिंगफुल नहीं है, तो उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में अरेंज करना और मीनिंगफुल बनाना, उसको हम क्या कहेंगे? रीअरेंज द वर्ड्स. फॉर इट वी शुड कीप इन अवर माइंड दैट व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ अ मीनिंगफुल सेंटेंस. मीन्स उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेंटेंस की जो राइट फॉर्मेशन होती है उसे अपने माइंड में रखना है. और एक मीनिंगफुल सेंटेंस की राइट फॉर्मेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट मे बी नाउन और प्रोनाउन. मोस्टली हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन से स्टार्ट होता है, मे बी कभी कभी वो प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कब? जब हमारा नाउन ऑलरेडी पहले गिवन हो. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर अटेंशन देंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वो नाउन है या प्रोनाउन है. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है दैट इफेक्ट बाय द बोथ साइड, मीन्स विद सब्जेक्ट नंबर, विद मेन वर्ब टेंस. यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के दोनों पार्ट से इफेक्ट होता है. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ होगा और टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज़ होगा. उसके बाद है मेन वर्ब. मेन वर्ब ऑलवेज इफेक्टेड बाय टेंस, यानी कि सेंटेंस में जो भी टेंस हमारा रनिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में. इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. एंड उसके बाद आता है हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें हमारे आर्टिकल्स आ सकते हैं, प्रीपोजिशंस, लिंकर्स, कनेक्टर्स. यानी कि ये सभी वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैं जो मोस्टली ऑब्जेक्ट से पहले शुरू होते हैं और इसके मीनिंग को और उसके ऑपोजिशन को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट लास्ट पार्ट ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मे बी नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पर वो नाउन है या प्रोनाउन, मोस्टली क्या होता है सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, लेकिन फिर भी ये नाउन भी हो सकता है जो कि हमारे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है. तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है. और जो भी हमारे पास स्कैटर्ड वर्ड्स दिए हुए हैं उनको इसी फॉर्म में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम रीअरेंज द वर्ड्स कहते हैं. थैंक यू.